आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ईरान सदियों पुरानी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। भारत के लिए ये कच्चे तेल का स्रोत है, तो इस्लाम के सिया अनुयायियों की आस्था का केंद्र। यहाँ 22 साल की महसा अमीनी की हिजाब न पहनने की वजह से गिरफ्तारी और फिर हिरासत में हुई मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शन में 200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इन प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान बंदूक और झंडे लिए बाइक सवार भी खूब चर्चा में है। इन्हें बासिज के तौर पर जाना जाता है। क्या है बासिज, कब इसकी स्थापना हुई और भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आज इन्हीं सब पे बात करेंगे। नमस्ते, ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप, मैं हूं सूरज कुमार। दरअसल बासिज उन लोगों का समूह है जो ईरान की सरकार के प्रति वफादार है और खुद को अर्ध सैनिक बलों की तरह पेश करता है। ईरान में बासिज पिछले 2 दशकों से सरकार के खिलाफ किसी भी असंतोष को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। साल 1979 में इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने बासिज की स्थापना की थी। इसे खड़ा करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ईरान का इस्लामीकरण और देश के भीतर के दुश्मनों का मुकाबला करना। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान बासिज ने सद्दाम हुसैन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं सीनियर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कमर आका। इसका काम यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बरकरार बनाए रखना, और कोई भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी उसमें उसके खिलाफ अगर होती है तो उसको दबाने का काम करती है ये बसी। जब भी डिमोन्स्ट्रेशन होते हैं, और ये मलेशिया जो है समझ लीजिए कि रेवोल्यूशनरी जो फर्वर है उसको मेंटेन करना, वहाँ पे जितने भी इस किस्म के डिमोन्स्ट्रेशन है उनका दमन करना, फिर उसके अलावा ये कि वहाँ के ऊपर जो है बेसिकली ये जो एंटी इस्लामिक ग्रुप्स जो आते हैं बनते हैं, या फेमिनिस्ट ग्रुप या उस किस्म के ग्रुप्स जो बनते हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट जो खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ ये लगातार काम। हालांकि इनकी नेवल विंग भी है और ये इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखते हैं कि अगर कोई थ्रेट होना नहीं चाहिए। स्थापना के बाद धीरे धीरे बासिज ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के तहत आ गई। ये सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खुमैन के प्रति वफादार है। बासिज ने देश भर में अपनी ब्रांच खोल रखी है, यहाँ तक कि उसका स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन और मेडिकल फैकल्टी है। हालांकि अमेरिका ने इसके ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल बासिज में शामिल होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग होती है। 45 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग में मिलिट्री और आइडियोलॉजी दोनों को तरजीह दी जाती है। इस बारे में कमर आगा से सुनिए। देखिए, दोनों तरीके होते हैं, वैचारिक भी और सैनिक भी। इनका ये पूरी तरीके से कमिटेड है इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए इनका कमिटमेंट होता है। ये लिबरल और रिफॉर्मिस्ट जो है उनका मैं नहीं समझता कि उनका समर्थन करते हैं ये लोग। ये लोग जो है ये बेसिकली बस आप ये समझ लीजिए रिवोल्यूशन में या काउंटर रिवोल्यूशन या सेना के अंदर अगर कोई कू की प्लानिंग कर रहा है उसको दबाना। हालांकि सेना बहुत स्ट्रांग नहीं है, रिवोल्यूशनरी कोर का कॉप्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है वहाँ के ऊपर जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को मेंटेन करना और ख़ासतौर से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वहाँ पे जो है उनको समर्थन मिलता है इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।